The next question is, call limited tends to infinity, n, ये ब्रैकेट के बाहर n मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में जो सीरीज है अपनी 1 upon 1 square n square plus 1 upon n square plus 1 square plus 1 upon n square plus 2 square plus up to date 1 upon n square plus n minus 1 whole square, right? So first of all, we rewrite the given series in summation form. So we get limit n tends to infinity, ये वाला n आपका कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में पूरी सीरीज के बाहर मल्टीप्लाई में, तो ये आपने एज इट इज रखा, ठीक, ये n एज इट इज, देन समेशन r इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होना है ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपकी सीरीज ब्रैकेट में दी है उसका न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, दैट इज 1, तो जो अपनी समेशन वाली सीरीज होगी उसका भी न्यूमरेटर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, दैट इज 1. देन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट चल रहा है, हमने भी उसको एज इट इज रख दिया, फिर यहां फर्स्ट टर्म में देखा अपन ने कि n स्क्वायर में 8 कुछ भी नहीं हुआ, देन नेक्स्ट क्या है, 1 का स्क्वायर 8 हुआ, देन 2 का स्क्वायर 8 हुआ, और लास्ट में अप टू डेट डेट n स्क्वायर में 8 कितना हो रहा है, n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, n माइनस 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, और यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अगर अपन देखें तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 1 के डिफरेंस पे टर्म ऐड हो रही है विद स्क्वायर, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारी समेशन की आर टर्म होगी वो क्या होगी, आर समेशन की लिमिट कहां से शुरू होगी, 0 से, और कहां तक जा रही है, लास्ट में एन माइनस 1 तक, तो समेशन की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एन माइनस 1 और 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहां अपन देखें कि ये अपन कैसे लिख रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आर को मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूँ, 0 से, जब मैंने r को 0 रखा तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, r की जगह 1 रखूंगा तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, 2 पुट करूंगा तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, और जब r के प्लेस पे मैं n माइनस 1 पुट करूंगा तो मेरे को लास्ट टर्म ये मिल जाएगी, तो अपन कह सकते हैं दिस इज द समेशन फॉर्म ऑफ द सीरीज। देन नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसको r अपॉन n की फॉर्म में फंक्शन जनरेट करते हैं, तो यहां से मैंने n स्क्वायर ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, जब n स्क्वायर ब्रैकेट से कॉमन आया n टेंस टू इनफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ये n जो ब्रैकेट के बाहर था एज इट इज, यहां से डिनोमिनेटर से आपने n स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बच रहा है, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, या जिसको आप लिख सकते हैं r by n होल स्क्वायर, दैट इज n से एक डिग्री यहाँ n की कैंसिल हो गई, तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बची लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी समेशन r इज 0 टू n माइनस ऑफ 1 1 अपॉन n इनटू 1 अपॉन 1 प्लस r by n का होल स्क्वायर, से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये आपकी गिवन सीरीज एग्जैक्टली उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जिस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यहां से फिर वो इजीली डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। सर n माइनस 1 को क्या पोजीशन के ऊपर कहां पे लास्ट टर्म में, देखो फर्क अपन को देखना क्या है, जो वेरी कर रहा है, जो कांस्टेंट है उससे तो मतलब ही नहीं है, देखो न्यूमरेटर में सब जगह 1 1 था, मैंने भी उठा के 1 लिख दिया, अब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में देखो ये n स्क्वायर सब जगह है, यानी n स्क्वायर तो नहीं बदल रहा, वो तो कांस्टेंट है, अब उसके साथ जो टर्म एड हो रही है यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी 0 एड हुआ होगा,
जीरो से नेक्स्ट क्या आ गया, फिर वन एड हो गया, फिर उसके बाद टू एड हो गया, स्क्वेरिक फॉर्म में। और लास्ट में देखे जो एड हो रहा है वो क्या है, एन माइनस वन। तो अपने को जो फर्स्ट टर्म होती है वो लोअर लिमिट दे देती है और जो लास्ट टर्म होती है वो अपर लिमिट, ठीक है। इसलिए वो कई बार क्या है क्वेश्चन में इसलिए आपको कंफ्यूज करता है, जब भी वो कंफ्यूज करेगा तो पहली और लास्ट टर्म को वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कि बच्चे को पहले समझ में तो आ जाए कि लास्ट टर्म एक्चुअली में बननी क्या है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट टर्म क्लियर नहीं थी ना, तो अपन को उसको ये जो बीच की टर्म्स होती है उनमें क्या पैटर्न फॉलो होगा उसके हिसाब से उसको अपन फिर सेट कर दे। जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, है ना, एन प्लस एन किया था, नीचे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दिया था, तो ये अपन को फिर सोचना है। लेकिन ये जैसे क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट कितना एड हो रहा है, फर्स्ट टर्म में जीरो, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, जीरो। और लास्ट टर्म में एन स्क्वायर के साथ क्या एड हो रहा है, एन माइनस वन। और एन स्क्वायर में एड हो रहा है इसलिए अपन उसको क्या लिखेंगे, प्लस आर स्क्वायर। आर अपन उसको नाम दे रहे हैं, आर की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी, ठीक। तो ये इस फॉर्म में जब आ जाता है तभी ये डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं। रिप्लेस आर अपॉन एन को इससे एक्स से, वन अपॉन एन को डी एक्स से, और तीसरा जो समेशन साइन है रिप्लेस बाय इंटीग्रल साइन, एंड ऑल्सो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को किससे रिप्लेस करेंगे वो भी अपन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होगी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी आर बाय एन, ठीक है। अब आर में लोअर लिमिट मतलब समेशन की लोअर लिमिट क्या है, जीरो। तो यहां अपन क्या करेंगे, आर की जगह इस फॉर्मूले में जीरो पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या दे देगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी जीरो अपॉन एन, यहां पे चाहे तो लिख दो। लोअर लिमिट हम किससे निकालते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, ये रिजल्टेंट क्या गया, जीरो अपॉन एन तो जीरो हो जाएगा। फिर अपर लिमिट अपन निकालेंगे, द अपर लिमिट, अब अपर लिमिट किससे निकालेंगे, समेशन की अपर लिमिट से, मीन व्हेन आर इज इक्वल टू कितना है, एन माइनस वन के इक्वल, ये समेशन की अपर लिमिट, ठीक। देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी R by N is equal to limit n tends to infinity, R की जगह आप क्या रख देंगे, 1 minus n minus 1 whole upon में कितना है n, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया, जीरो और इंफिनिटी से बचाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n tends to infinity n के अपॉन में n लिख सकते हो, क्या मिल जाएगा 1, फिर माइनस में वन के अपॉन में भी एन लिख सकते हो, ठीक है ना। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, तो ये वन में तो लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी नहीं क्योंकि वहां एन है ही, तो माइनस में और क्या बच जाएगा, वन अपॉन एन की जगह कितना, वन अपॉन इंफिनिटी कितना, जीरो, ठीक है। कभी भी छोटी टर्म को बड़ी टर्म से डिवाइड करोगे, बहुत बड़ी टर्म से, इंफिनिटी तो बहुत बड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या देगा, जीरो, ठीक है। तो क्या बचा, वन माइनस जीरो, दैट इज वन, ओके। ये सारे जब रिप्लेसमेंट अपन ने किसमें लगाए, इक्वेशन वन में, ठीक है, रिप्लेस दिस थिंग, देन बाय इक्वेशन वन, तो बाय इक्वेशन नंबर वन वी गेट पी इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट क्या बनी इंटीग्रल की, जीरो टू वन, दिस इज जीरो टू वन। देन फंक्शन आपका क्या बना था, दिस इज वन अपॉन एन
इंटू वन अपॉन वन प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। वन अपॉन एन तो क्या हो गया डी एक्स, फिर वन अपॉन वन प्लस आर अपॉन एन कितना हो गया एक्स, ये अपन ने ऊपर बता दिया है ना। तो क्या बचा, दिस इज वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर और वन अपॉन एन को क्या लिखा आपने डी एक्स। तो ये पूरा क्या बन गया एक सिंपल इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स एक्स जिसकी लिमिट कितनी जीरो टू वन। फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस में टेन इनवर्स ऑफ जीरो। टेन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू कितनी होती पाई बाई फोर और टेन इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो। So finally we get the resultant is pi by 4. तो ये आपका solution हो गया। ठीक, और कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको समेशन फॉर्म दी रहती है, ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व करके दिया रहेगा, या तो ये वाली टर्म दे देगा डायरेक्ट या ये भी दे सकता है। सिर्फ आपको क्या करना रहता है ये रिप्लेसमेंट और लिमिट निकाल के सॉल्व करके इंटीग्रल सॉल्व करना। अगर समेशन फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है तो फिर आपका क्वेश्चन और इजी हो गया। सिर्फ समेशन फॉर्म से आपको आर बाय एन फॉर्म बनानी रहेगी, रिप्लेसमेंट क्या है वो याद रखने हैं कि ये रिप्लेसमेंट हम लगाएंगे लिमिट कन्वर्ट करेंगे तो अपना क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल फिर इंटीग्रल। ठीक है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन देता है, कभी सीरीज जरूरी नहीं हर बार सीरीज में दे, समेशन फॉर्म में भी दे सकता है। इसी का अगला क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर सेक स्क्वायर वन अपॉन एन स्क्वायर, देन सेकंड टर्म है प्लस के टू अपॉन एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 upon n square, then next 3 upon n square sec square 9 upon n square plus up to this the last term is 1 upon n into sec square 1 sec square 1 ठीक। रीराइट किया अपन ने इक्वेशन को, फर्स्ट वी रीराइट द इक्वेशन लेट पी इज इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी तो एज इट इज रहा, देन समेशन। अब यहां देखो दो जगह चेंजेस हो रहे हैं, पहला तो जो सेक के मल्टीपल है यहां पे देखो कितना रहा है 1 अपॉन एन स्क्वायर फिर ये 2 अपॉन फिर 3 अपॉन एन स्क्वायर फिर आगे इसी तरीके से बढ़ रहा है ना। तो अपन यहां पे देखें जो मेरी समेशन फॉर्म बनेगी, अभी मैं लिमिट नहीं दिख रहा हूं, अभी मैं यार की लिमिट नहीं दिख रहा हूं, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि चेंज कहां हो रहा, जो कांस्टेंट है अच्छा पहले उसको लिख लो। यहां पे डिनोमिनेटर तो एन स्क्वायर ये कांस्टेंट चल रहा है हर जगह, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म में स्क्वायर नहीं एन है ना, तो पैटर्न तो फॉलो कराना है मेरे को, तो लास्ट टर्म में भी क्या बनना चाहिए एन स्क्वायर। तो मैंने क्या किया लास्ट टर्म को पहले एक एन से मल्टीप्लाई किया एक से डिवाइड तो एन स्क्वायर वहां पे ठीक। अब फिर सेक स्क्वायर तो फंक्शन सेक का है तो ये भी कांस्टेंट है, फिर इनटू इसका जो एंगल है इसका भी डिनोमिनेटर देखें एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर सब जगह कांस्टेंट है लेकिन लास्ट टर्म पे एन स्क्वायर ही नहीं आ रहा,
तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एन स्क्वायर लाने के लिए इसके एंगल के लिए एन स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई, वो कैंसिल होकर तो वन ही बना रहा है, यानी लास्ट टर्म में मैंने कोई चेंज किया क्या? चेंज नहीं किया, सिर्फ बैलेंस करके उसको उस फॉर्म में दिखा दिया जिस फॉर्म में बाकी की टर्म्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एंगल का जो डिनोमिनेटर है एल स्क्वायर वो भी कॉन्स्टेंट है। अब देखो चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज पहले की जो सेक का मल्टीपल है, पहले इसका न्यूमरेटर क्या है, वन था, वन अपॉन एन स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म में गए तो कितना हो गया, टू अपॉन एन स्क्वायर हो गया, फिर तीसरी बार में कितना हो गया, थ्री अपॉन एन स्क्वायर, चौथी बार में फोर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो आरेख बार में क्या होगा, वही मेरे को चाहिए, है ना? तो एक्चुअल में मेरा आर चेंज कहां से हो रहा है, सबसे पहले आर कितना बना, तो यहां अपनी समेशन की लोअर लिमिट कितनी हो गई, वन, और कहां तक चेंज हुआ, एन। ठीक है, वो आर मेरा क्या है, जो अपने ये चेंज हो रहा है उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, आर से। तो मेरा आर चेंज कहां से हो रहा है, वन से लेके एन तक, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, आर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, जो चेंज हो रहा है उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, आर। अब अपन आए सेक के एंगल, एंगल का भी न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर कितना है, वन, वन को मैं वन स्क्वायर लिखूं कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना है, फोर, यानी टू, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर, और लास्ट में वो कितना हो रहा है, एन स्क्वायर। तो मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर आप बिल्कुल? यस सर। ठीक है, अब इसको अपन ये फॉर्म तो लिख दी, अब लेकिन इसको किस फॉर्म में लाना है, इसका मल्टीपल एक वन अपॉन एन होना भी जरूरी है, और फंक्शन आर बाय एन की फॉर्म, तो यहाँ क्या बन रहा था, आर अपॉन एन स्क्वायर बन रहा था, तो इसको मैंने लिख दिया आर अपॉन एन। ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये भी आर बाय एन आ रहा है, बच क्या गया, यहाँ से एक जो वन अपॉन एन बच रहा था उसको भी लिख दिया मैंने, तो ये हो गया इनटू वन अपॉन, तो पूरा जो होल सीरीज थी आपकी किस फॉर्म में आ गई, आर बाय एन की फॉर्म में आ गई, और उसका मल्टीपल एक वन बाय एन भी। ठीक है, यानी यहां से अब हम इसको कह सकते हैं कि ये रिड्यूस हो सकता है इसमें डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में रिड्यूस करने के लिए आपके जो रिप्लेसमेंट है सेम वही के वही रहेंगे, ये वाली टर्म एज इट इज रही, रिप्लेस आर बाय एन बाय एक्स, वन बाय एन बाय डी एक्स, समेशन साइन बाय इंटीग्रल साइन, एंड द लोअर लिमिट कितनी, अब यहाँ पे वन, तो आर कितना है आपका जब वन होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आर अपॉन n, आर की जगह हमने क्या रख दिया, वन, क्या बचा, वन अपॉन n, फिर लिमिट रख दी तो क्या आ गया, वन अपॉन इंफिनिटी, और वन अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो, तो अपनी लोअर लिमिट कितनी बन गई, जीरो, देन अपर लिमिट व्हेन आर इज, अपन लिमिट हमने कितनी है यहाँ पे समेशन की n, तो जब मैंने r की जगह क्या पुट किया n, यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n अपॉन n, r की जगह भी n अपॉन में n, n n कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट क्या बच गया, 1। ठीक है, यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं, सो y इक्वेशन 1 इज कन्वर्ट इनटू इंटीग्रल 0 टू 1, ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर। ठीक है, फंक्शन r अपॉन n इसके इक्वल लिखा आपने x, फिर सेक स्क्वायर, और फिर से r अपॉन n को क्या लिखा आपने x, और उसका भी स्क्वायर था तो क्या आ गया x स्क्वायर, और 1 अपॉन n को आपने क्या लिखा। ठीक, अब मेरे को सिंपल सा इंटीग्रल है सॉल्व करना है, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कब हो सकता है, जब ये x स्क्वायर एग्जैक्टली x बन, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है, sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता,
है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम अपने इसको सब्स्टिट्यूशन किया, पुट किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या जाता है 2x dx इज इक्वल टू t dt, या ये कह लीजिए x into dx इज इक्वल टू dt by, राइट। और जब डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन हुआ तो लिमिट्स भी चेंज होती है, तो अपन लिमिट कैसे चेंज करते हैं, जब आपने यहाँ x की जगह लोअर लिमिट रखी जीरो तो t कितना जीरो का स्क्वायर जीरो, और जब आपने अपन लिमिट रखी वन, वन का स्क्वायर कितना वन, यानी t इज इक्वल टू वन। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, लिमिट चेंज नहीं हो, ठीक है, तो अपने भी नहीं कर रहे थे। तो द इंटीग्रल t बिकम इंटीगल जीरो टू वन, ठीक है, x भी x की जगह क्या गया dt by 2 ये लिख दिया मैंने, और sec square x square की जगह आपने क्या रखा 1 by 2 constant है, integral sign के बाहर आ गया, integral बचा 0 to 1 sec square t dt। सर ये आपने बताया 2x dx dt, अगर हम डिफरेंशिएट नहीं करते तो क्या होता, ये तो टी में चला जाता लेकिन ये तो बी एक्स ही रहता, इंटीग्रल पॉसिबल होता नहीं। बाई पार्ट से नहीं करके देखो, करके देखो, अपने पास तो दोनों ऑप्शन है, करके देखो हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हो प्रोडक्ट में है तो अपन कोशिश करते हैं, ठीक है। sec square का इंटीग्रल कितना होता है 10, तो ये हो गया 1/2 tan t, लिमिट 0 टू 1, लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो क्या जाएगा 10 1 माइनस में 10 0, 10 0 तो 0 ही होता है, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 1/2 tan 1, और tan 1 डिग्री की अगर वैल्यू मालूम है तो रख दो, नहीं मालूम है तो छोड़ दो, वैसे भी सही है आपका आंसर, ठीक बेटा। किसी को कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन अब मैं खत्म कर रहा हूँ, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये वाले और एक दूसरा इसमें लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।